हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के बात कर रहे हैं, वीडियो के अंदर बात करेंगे कि 2024 के अंदर, यानी कि अक्टूबर चल रहा है, नॉर्मली ये ईयर भी खत्म होने वाली है और इसके अंदर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो मैं आपको ऐसे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। हालांकि आज का मार्केट और कल का मार्केट ठीक ठाक रहा मार्केट, क्योंकि इजराइल ईरान की वजह से पिछले 5 दिन के अंदर करीब निफ्टी और जो सेंसेक्स है 5% टूट गया था। तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए फिर से म्यूचुअल फंड पर वीडियो लेके आया हूं कि मान लीजिए आने वाले समय के अंदर अगर मार्केट टूटता है, कभी भी मार्केट टूट सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अब यूएस की भी घटना आ रही है कि भाई वहां पर मंदी आ सकती है, तो मंदी आ सकती है तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट टूटेगा, और जब मार्केट टूटेगा तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इन्वेस्ट करें। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो हमें एवरेज करना चाहिए, यानी कि उसके अंदर और ज़्यादा होल्डिंग लगानी चाहिए जब मार्केट गिरता है। तब अगर मार्केट टूट रहा है, आपने पैसा लगा रखा है, आपका पोर्टफोलियो रेड में आ गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऊपर नीचे चीज़ें तो होती रहती हैं। बस आपको करना क्या है, आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है कि मार्केट गिरा है तो उस समय पर आपका लमसम अमाउंट बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लोग क्या डिसीजन लेंगे, जिसके जरिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो क्या कम समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, 1 साल के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वाला रिस्क है। रिस्क क्यों है, मान लीजिए आपने मान लीजिए पैसा यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, आपने पैसा यहाँ पे लगा दिया और आपका पास क्या टाइम पीरियड है, 1 साल का टाइम पीरियड है। अब 1 साल के टाइम पीरियड में मार्केट की सिचुएशन, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है या इंडिया लेवल की इकोनॉमी है, मान लीजिए कोई कारणवश मार्केट टूट जाता है, गिर जाता है, तो मान लीजिए आपने पैसा यहाँ पर लगाया था, मार्केट गिर के यहाँ पर आ गया। अब मार्केट यहाँ पर आ चुका है, अब मार्केट ये रिकवर करने में, यानी कि जो आपने पैसा लगाया था पहले, तो इसी को रिकवर करेगा, इतने टाइम पीरियड को रिकवर करेगा। जब इतने को रिकवर करेगा, इसे रिकवर करने के बाद में फिर प्रॉफिट भी तो कमाना है आपको। तो जब मान लीजिए मार्केट ने रिकवर करने में ही अगर 1 साल लगा दिया, 1 ईयर लगा दिए, तो आपने जहाँ पैसा लगाया था आप वहीं पे खड़े हो, यानी जितना पैसा लगाया था 1 लाख के 1 लाख ही आपके बने हुए हैं, ठीक है। या फिर रिकवरी नहीं हो पाया, मान लीजिए रिकवर होने में 2 साल लग गए। अब 2018 की जब बात करेंगे, रिसेशन की बात करेंगे, तो 2018 के अंदर मार्केट ने रिकवर होने के लिए 3-4 साल लगाए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या रहता है, कम समय के लिए आप पैसा लगाओगे तो आप मार्केट में हिस्टक हो सकते हो, फंस सकते हो। तो इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल 5 साल 10 साल के लिए है तो बैलेंस गुड रहता है, जिसके अंदर आप फंसने के चांसेस आपके कम होते हैं। सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड कम समय के लिए, आगे बताऊंगा आपको कि कम समय के लिए, यानी कि 3 साल के लिए, 4 साल 5 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किस किस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे। टैक्स कितना लगेगा, तो टैक्स की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि टैक्स की बात एक वीडियो में मैंने बोला था टैक्स की बात बताऊंगा तो मैं भूल गया था टैक्स बताने के बारे में उस वीडियो के अंदर, तो सॉरी उस पर वीडियो के लिए। तो टैक्स कितना लगेगा बता देते हैं बात, ठीक है। तो देखिए, टैक्स की जब बात आती है तो टैक्स लगते हैं 2 प्रकार से, ठीक है, 2 प्रकार से टैक्स लगते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है कि आप 1 साल से पहले, 1 ईयर से पहले पैसे को क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। 1 साल से पहले पैसा निकाल लिया आपने, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया था और 1 लाख रुपए के आपके 1.5 लाख रुपीज का टोटल कॉर्पस हो गया, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ ना, 1 लाख लगाए थे, 1.5 लाख हो गए, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 50,000 पर आपका 20% टैक्स लग जाएगा, 50,000 पर 20% टैक्स लग जाएगा। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि आप अपने जो भी प्रॉफिट होता है, यानी कि जो भी पैसा निकालते हो आप 1 साल के बाद में निकालते हो, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए थे और आपका प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख रुपीज, और आप पैसा निकाल लो, सारा का सारा पैसा निकाल लो, तो 1 साल के बाद जब निकाल रहे हो तो आपको 15% का टैक्स लगेगा, ठीक है, सारे 12% 12.5% का टैक्स लगेगा और प्लस 1.25 लाख रुपीज़ के ऊपर क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। यानी कि आपने पैसा लगाया था 1 लाख के 2.5 लाख हो गए, तो पहले तो आपको क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपये लगाया था, यानी प्रॉफिट कितना आ गया, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, 1.25 लाख रुपये आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, यानी कि 1.25 निकाल दीजिए इसमें से, इतने लाख निकाल दीजिए, बचा कितना, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये पर आपका लगेगा 12.5% का टैक्स आपको लग जाएगा। तो ये टैक्स है। चलिए आगे चलते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या हैं, देखिए
जब पूरे तरीके से मार्केट गिर जाएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। अब फ्राइडे की बात कर रहे हैं, इस फ्राइडे को जब मार्केट क्रैश हुआ था, अच्छा खासा 4-5% निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स गिर गए थे 5%, तो लोग कह रहे थे भी मार्केट और गिरेगा। लेकिन अब दो दिन से क्या हो रहा है, पिछले दो दिन से मार्केट रिकवर कर रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। तो जो बॉटम होता है ना, मार्केट कभी गिर रहा है तो उस बॉटम को आइडेंटिफाई करना ना इतना ईजी नहीं होता है कि बॉटम कितना है। मान लीजिए हम लोग बॉटम इसको समझ रहे थे कि यहाँ तक गिरेगा मार्केट, क्योंकि बॉटम पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हमने यहाँ पे फिर नीचे मार्केट फिर गिर गया, तो हमने फिर सोचा ये बॉटम ये होगा, मार्केट फिर गिर गया बॉटम ये होगा। तो बॉटम एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम होता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ पैसा यहाँ पर, कुछ पैसा यहाँ पर, कुछ पैसा यहाँ पर ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर ये बॉटम हुआ तब भी बैलेंस गुड है, नहीं हुआ तो हमारा एवरेजिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेस्ट, जब पूरे तरीके से मार्केट गिर जाएगा किसी को नहीं पता है। किसको पता है कि कितना मार्केट गिरेगा कितना नहीं पता, किसी को नहीं पता है। गोल्डन रूल क्या कहता है शेयर मार्केट का, गोल्डन रूल मार्केट का शेयर का ये कहता है कि मार्केट जितना गिरेगा, मान लीजिए अगर 50% भी मार्केट गिर गया, हालांकि 50% मार्केट गिर गया तबाही मच जाएगी, तो आपको 50% के ही प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। यानी कि मार्केट जितना गिरेगा आप उतना ही प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी कि मार्केट क्या है, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड क्या है, रिस्क टेकर्स के लिए। आप जितना ज़्यादा मार्केट से रिस्क लेते हैं आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब जब म्यूचुअल फंड की बात चली रही है तो बात ये कर लेते हैं, थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि एफडी, दो बंदे हैं एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है और एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो डिफरेंस क्या होता है, मोटा मोटा बात कर लेते हैं। बैंक सेविंग, यानी आजकल आज भी लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो ज़्यादातर करते हैं एफडी के अंदर, सारा पैसा एफडी के अंदर लगा देते हैं। तो भैया बैंक सेविंग के अंदर पैसा रखना, एफडी करना, आरडी करना एक लिमिट तक ठीक रहता है, लेकिन सारा पैसा इसी के अंदर डालना बेवकूफ़ी होती है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के अंदर करना चाहिए या फिर शेयर मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है जी। अगला क्या है कि जब मान लीजिए सपोज दैट हम एफडी करते हैं बैंक के अंदर, यानी कि 5 लाख रुपए के हम एफडी करते हैं और मान लेते हैं कि 7% का हमें रिटर्न मिल रहा है और 10 साल के लिए करते हैं, तो देखिए 5 लाख और आपके 5 लाख आपके 10 साल के अंदर डबल हो पाए, 5 लाख रुपए आपके 10 साल के अंदर डबल हो पाएंगे, यानी 10 लाख की वेल्थ बन पाएगी। लेकिन अगर आप लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर 5 लाख रुपए का 15% की कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलती है, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे क्या मिलती है, सिंपल इंटरेस्ट मिलती है 10 साल के अंदर, तो आप देखेंगे कि 5 लाख के आपके 20 लाख हो गए, कितना फायदा हो गया आपका, 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। लेकिन ये होता है आपका कम समय के लिए, यानी 10 लाख कर रहे हैं, इसके अंदर कंपाउंडिंग मिलती है ना। कंपाउंडिंग फॉर्मूला क्या कहता है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा ना आपका पैसा बहुत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके 10 लाख हो रहे थे, अगले 10 साल में फिर कितने हो जाएंगे, मान लीजिए 20 हो जाएंगे, मान लीजिए ठीक है 20 हो गए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अलग ही लेवल के पैसे पहुंच जाएंगे, बहुत तगड़े वाले पैसे हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज चलती है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलती है। इसी प्रकार से जब म्यूचुअल फंड के अंदर हम बोलते हैं कि 1000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट कर दो, 10000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट कर दो हर महीना, तो ऐसी बैंक में हम लोग क्या करते हैं, आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर क्या रहता है, 10000 रुपये हर महीने हम कर रहे हैं, 7% का कंपाउंड सॉरी इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, 10 साल के लिए करते हैं, तो 12 लाख रुपये हमारे टोटल इन्वेस्ट हुए म्यूचुअल फंड के अंदर, इन्वेस्ट नहीं सेविंग हुई, मैं सेविंग मानता हूँ ठीक है आरडी में, 5,37,000 की आपकी क्या वेल्थ बन गई, यानी 17,37,000 आपके टोटल हो गए, कितने 12 लाख के 17 लाख, यानी 5 लाख का फायदा मिला लगभग आपको, 5,37,000 का फायदा मिला आपको 10 साल के अंदर। यहाँ पर आपने सेम चीज़ किया कि वही सेम 12 लाख रुपए आपकी तरफ से इन्वेस्ट हुए 10000 रुपये महीने के हिसाब से, 10000 रुपये महीने 15% के हिसाब से 10 साल के लिए, तो आपको 15,86,000 यानी कि करीब करीब 16 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा था, 5 लाख का फायदा हो रहा था, ये 10 साल के अंदर हो रहा था। हम बात कर लेते हैं ठीक है 20 साल की बात कर लेते हैं, तो सेम चीज़ 20 साल में हमारे म्यूचुअल फंड में कितनी हो जाएगी, 1.5 करोड़ हो जाएगा, 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगा हमारा, 24 लाख इन्वेस्ट हुए टोटल, उस पर हमारा 1,27,00,000 की वेल्थ हो जाएगी और 1.5 करोड़ की हमारी वेल्थ हो जाएगी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आप ये पावर तो समझ ही गए हो ना। अब इस चीज़ के बाद में हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करके अपनी कैपिटल, चाहे लमसम या फिर मंथली इन्वेस्टमेंट के जरिए हम अपनी वेल्थ बना सकते हैं, कॉर्पस बना सकते हैं, जो कि हमारे भविष्य में काफ़ी काम आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैनरा रेवेन्यू म्यूचुअल फंड है, कैनरा रेवेन्यू म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि पिछले 5 साल के अंदर हमें रिटर्न मिला है 29.99% का रिटर्न मिला है और पिछले 10 साल की बात कर लेते हैं तो हमें मिला है 28.28% का रिटर्न मिला है, जो कि अपने आप में काफ़ी कमाल है। हमने जो कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको 15% की कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करके दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे पिछले 10 साल के अंदर आपको 28.28% का रिटर्न मिला है। तो मैंने 28.28% का रिटर्न कैलकुलेशन करके आपको क्यों नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी मार्केट बुलिश है, कोविड के बाद से काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, सभी म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं लगभग, लेकिन
जब हम अगले 20 साल की बात करेंगे, अगले 10 साल की बात करेंगे, तो हमें ये वाले रिटर्न मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेके चलते हैं कि भाई 14-15% का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट्स इनफ, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा और अच्छा मिल जाए, 20% मिल जाए, 25% मिल जाए, तो बढ़िया है, बल्ले बल्ले गुड है भैया, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो हम जो मिनिमम है वो लेके चलते हैं। अगला जो फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, इसके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 25.62% है, और यहाँ पे देखेंगे 21.71% है, ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप मतलब आप जानते हैं, जिसके अंदर स्मॉल कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है और लार्ज कैप भी होता है, तीनों फंड का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे देखें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर देखेंगे आपको 24.73% का पिछले 5 साल के अंदर रिटर्न मिला है, और यहाँ पे पिछले 10 साल की बात करेंगे तो आपको 20.45% का आपको कंपाउंडेड रिटर्न मिला है इसके अंदर, ठीक है। अगला जो फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर पिछले 5 साल के अंदर देखेंगे 40.94% का रिटर्न है, और क्वांट स्मॉल जो 10 साल का है इसके अंदर 19.56% है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे अगला HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप देखें 5 साल का 21.53% है, और इसके अंदर पिछले 10 साल के अंदर देखेंगे 17.04% का रिटर्न है इसके अंदर। तो दोस्तों ये तो कुछ 5 म्यूचुअल फंड थे जिनके अंदर मैंने आपको बताया। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल भी है जिसने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं उनसे कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और कभी भी जब पैसे की बात आती है तो हमें खुद भी अपना खुद का रिसर्च भी करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, मेहनत आपकी है। मैं आपको यहाँ पे एजुकेट करने के लिए हूँ, आपको समझाने के लिए हूँ कि FD क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, कहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ कहाँ किसके जरिए आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है ना। बाकी डिसीजन लास्ट आपका ये और आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके भविष्य के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।